हेलो एवरीवन, केस नंबर 2 डिस्कस करना है हमें किस चैप्टर का, अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी का। ठीक है, व्हाट इज केस नंबर 2? अभी तक हमने केस नंबर 1 में क्या पढ़ा था, जब इनपुट आईजीएसटी केस नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी। अगर इनपुट, अगर आपने जो परचेज किया है उस पर आप आईजीएसटी ज्यादा दे रहे हो जितना आपको मिल रहा है उससे, ये केस नंबर 1 था। ठीक है, और इसका हमने सीखा था कि हम कैसे सेट ऑफ करते हैं। नाउ टुडे वी विल अंडरस्टैंड केस नंबर 2, व्हेन आउटपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट आईजीएसटी। ओके, सो आउटपुट आईजीएसटी जब ज्यादा होगा इनपुट आईजीएसटी से, यानी जो आपने आईजीएसटी कलेक्ट की है वो ज्यादा है इनपुट जो आपने पे की है उससे। यहां पर ये आउटपुट आईजीएसटी यानी आपने कलेक्शन किया है, कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी, और इनपुट आईजीएसटी मतलब आपने पे किया है इसको, पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। तो अब इस वाले केस में क्या है कि आपका कलेक्शन ज्यादा है आपके पेमेंट से, तो हाउ वी विल डू द सेट ऑफ, हाउ सेट ऑफ विल वर्क। उसमें क्या था, इनपुट आईजीएसटी ज्यादा था तो हम क्या करते थे, सारी आईजीएसटी को पहले खत्म कर देते थे, उसके बाद हम सीजीएसटी की तरफ मूव करते थे। पर यहां पर क्या है, लेट्स सी यहां पर हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टेप वन इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ कर देंगे किससे, आउटपुट आईजीएसटी से। किससे कर देंगे, आउटपुट आईजीएसटी से। ठीक है भाई, हमने क्या बोला, केस क्या है कि ये कम होगा इससे। मान लो कि इनपुट आईजीएसटी 1 लाख है और आउटपुट आईजीएसटी 2 लाख है। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी 1 लाख है और आउटपुट आईजीएसटी 2 लाख, ये तो केस है ना कि इनपुट आईजीएसटी इज लेस देन आउटपुट आईजीएसटी। तो हमने सेट ऑफ कर दिया इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से, तो यहां बैलेंस बचेगा ना, यहां पर बैलेंस बचेगा कितना, 1 लाख का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ये फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले सेट ऑफ करने में, इस केस में पहला स्टेप हम ये करेंगे। अब सेकेंड स्टेप में हम इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे किससे, आउटपुट सीजीएसटी से। इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे किससे, आउटपुट सीजीएसटी से। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। और थर्ड केस में इनपुट एसजीएसटी को, इनपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट एसजीएसटी से। ओके, अब मान लो कि ये भी आपका 50,000 है। ठीक है, ये आपका 50,000 है और ये आपका 30,000 है, ये आपका 30,000 है। ठीक है, तो अभी इनपुट आपका यहां पर सीजीएसटी ज्यादा है, चलो देखते हैं उसको हमें क्या करना है। और ये भी आपका 50,000 है और ये आपका 30,000 है। ठीक, तो हमें सेट ऑफ कैसे करना होता है, हमें पहले इसको इससे सेट ऑफ करना होता है, यहां पर बैलेंस आएगा। ठीक है, बैलेंस क्यों आएगा, क्योंकि इनपुट तो आपका कम है और आउटपुट ज्यादा है। आउटपुट अगर ज्यादा है तो बैलेंस किसका आया, आउटपुट का आया ना, आउटपुट आईजीएसटी। ये जो बैलेंस बचा है किसका बचा हुआ है, आउटपुट आईजीएसटी का ना, इनपुट आईजीएसटी तो हमने खत्म कर दिया है, तो आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच गया। अब इस बैलेंस को अभी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं, पहले केस में हम क्या करते थे, पहले इसको खत्म करते थे, जो बैलेंस बचा है उसको खत्म करो। लेकिन इस केस में क्या करना है, हमें इस बैलेंस को अभी ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, इस केस में अब हम आएंगे सीजीएसटी पे, उसको छोड़ देंगे वैसे ही, अब हम आएंगे सीजीएसटी पे और सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। तो सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे तो हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा, हमारे पास बैलेंस बचेगा 20,000 का, बचेगा या नहीं बचेगा। सीजीएसटी जो है 50,000 है इनपुट और आउटपुट 30,000 है, तो बैलेंस कितना हो गया 20,000। ये 20,000 इनपुट है या आउटपुट, इनपुट है ना, क्योंकि इनपुट ज्यादा है,
आउटपुट तो पूरा खत्म हो गया, आउटपुट पूरा लैप्स कर गया, बचा क्या इनपुट। तो ये बैलेंस बचा आपका इनपुट सीजीएसटी का। आई बात समझ में? हमने इसको इससे सेट ऑफ करना है, बस इसको इससे कर दिया, उसका जो बैलेंस बचा उसको छोड़ दिया, इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, ठीक है। अब इसको भी इससे करेंगे तो यहां पर कितना आएगा बैलेंस, ये भी वही बात है कि यहां पर 50,000 है, यहां पर 30,000 है, तो इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बचेगा 20,000। बचा इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस 20,000। आई बात समझ में आ तक? अब ये इतना होने के बाद, ठीक है, जो ये आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस बचा है, आउटपुट बचा है ना, आउटपुट जो बैलेंस बचा है उसे उससे हम क्या सेट ऑफ कर सकते हैं? हमें कुछ मिला है, ठीक है, कुछ मिला हुआ था, एक्स्ट्रा बचा हुआ है, मिला हुआ, तो जो हमने पे किया है, कोशिश करेंगे ना कि जो हमने पे किया है वो हम सेट ऑफ कर दें। तो हम आएंगे, क्योंकि इनपुट आईजीएसटी तो खत्म हो गया था, हम आएंगे इनपुट सीजीएसटी के पास। भाई क्या तुमने जो खर्चा किया था, हमारे पास पैसे बचे हुए हैं, लाओ मैं एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी को ये सेट ऑफ कर देगा, ठीक है, ये 20,000 यहां से सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये भी 20,000 ये भी यहां से सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है, बड़ा सिंपल सा भी इलस्ट्रेशन करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल सा मतलब ये है कि यहां पर हम सबसे पहले इसको सेट ऑफ करते थे पहले जैसे, वैसे ही करेंगे, लेकिन जब बैलेंस बचेगा तो बैलेंस को खत्म करने के पीछे नहीं लग जाएंगे कि पहले सीजीएसटी से खत्म कर दो एसजीएसटी से, नहीं, उस बैलेंस को होल्ड पे रखेंगे। पहले सीजीएसटी आपस में अपना समझ लेंगे इनपुट आउटपुट, एसजीएसटी आपस में समझ लेंगे इनपुट आउटपुट, फिर उन दोनों के पास जो बचेगा ना वो दोनों फिर जाएंगे आईजीएसटी के पास कि अगर आपके पास कुछ आउटपुट बचा है तो जरा हमें दे दो, हमारा सेट ऑफ करवा दो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो और इसके सेट ऑफ होने के बाद भी जो बैलेंस बचेगा वो आपका बैलेंस होगा, ठीक है। ये इतने तरीके से हम सेट ऑफ करते हैं, केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 थोड़ा सा अलग था, उस वीडियो को ध्यान से देखना, उसको समझना उसमें क्या बोला गया था। इस वीडियो में आपको पहले आईजीएसटी सेट ऑफ करना है, उसका बैलेंस वैसे ही रहेगा, फिर सीजीएसटी सेट ऑफ करना है, उसका बैलेंस वैसे ही रहेगा, फिर एसजीएसटी सेट ऑफ करना है, वैसे ही रहेगा। फिर क्या होगा, जो आईजीएसटी का बैलेंस था पहले सीजीएसटी जाएगा आईजीएसटी के पास, मेरे को सेट ऑफ करवा दो, और फिर भी अगर बचा हुआ है तो फिर एसजीएसटी भी आएगा कि मेरे को भी सेट ऑफ करवा दो, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन 12, ओके। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, पर्टिकुलर्स आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट इनपुट, ओके। अमाउंट इज 2,50,000, 3,25,000, 3,00,000, 2,00,000, 2,00,000। ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज द गिवन क्वेश्चन, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम, इसमें क्या है, केस क्या था हमारा, इनपुट आईजीएसटी इज लेस देन आउटपुट आईजीएसटी। तो देखो इनपुट वेट, हाँ जी, कुछ नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक मेरे को इनपुट आउटपुट लिखने में हो गई थी क्वेश्चन में देखने में, और कुछ नहीं, ये ऊपर वाला इनपुट है
और नीचे वाला आउटपुट है, ठीक है। और हम ये केस डिस्कस कर रहे थे ना कि वेन इनपुट आईजीएसटी इज लेस देन आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। तो इनपुट आईजीएसटी कम है किससे, आउटपुट आईजीएसटी से। चलो अब बनाते हैं भाई हम फॉर्मेट सा कुछ, अभी जल्दी जल्दी से बनाते हैं, है ना। पर्टिक्यूलर्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ प्रॉपर लाइन एज दिस इज अ हर्क्यूलियन टास्क फॉर मी। ऑलराइट, हम यहां पे सिर्फ समझेंगे कैलकुलेशन कैसे करनी है। सो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आउटपुट जीएसटी को लिख लेंगे। क्या क्या है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी क्या क्या है, 3,25,000, 2 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देन ये तो हमने क्या किया, आउटपुट लिख दिया। अब हम इनपुट का सेट ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। लेस इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी हम सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। बात को समझना ध्यान से, आउटपुट जीएसटी हमने लिख दिया है तीनों, और हम क्या करने वाले हैं, इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। कितना है, 2,50,000 है, 2,50,000 है। बात क्लियर है, 2,50,000। तो बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस का ध्यान रखेंगे आप, 1,25,000 बचा बैलेंस। किसका बैलेंस है ये, इनपुट खत्म हो गया ना, इनपुट सेट ऑफ हो गया, बचा क्या, आउटपुट आईजीएसटी। ये जो बैलेंस है ये आउटपुट का है, ठीक है। अभी भी ये बैलेंस जो है आउटपुट का है, तो आउटपुट जीएसटी का बैलेंस है, आउटपुट आईजीएसटी 1,25,000, आउटपुट सीजीएसटी 2 लाख और आउटपुट एसजीएसटी 2 लाख। बात समझ आ गई यहां तक सब कुछ। अब दिस इज बैलेंस। नाउ अब हम इस बैलेंस में क्या करेंगे, हमने इनपुट आईजीएसटी खत्म कर लिया है, अब हम इनपुट हम पहले सीजीएसटी को खत्म करेंगे। हमारा ये बैलेंस अभी बचा हुआ है दैट्स ओके, लेकिन हम अब खत्म क्या करेंगे, सीजीएसटी को। लेस इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। तो यहां पर हम अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, बिकॉज ये बैलेंस है, इसको हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे। एंड देन हम आगे क्या करेंगे, हम इस बैलेंस को बचा के रखेंगे। ये जो हमने टोटल किया है यहां पे, देयर इज मिस्टेक, दिस इज 75,000, 3,25,000 में से 2,50,000 जाएगा तो 75,000 जाएगा, ठीक है। तो लेस इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, सो लेस इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। अब क्या है, आईजीएसटी का जो बैलेंस था, जो आया हमारा आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस, वो भी पड़ा रहेगा, हम सेट ऑफ करेंगे उसे बाद में जब हमारे पास इसमें से बच जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, बात समझ में आ रही है कि हमने क्या किया, सबसे पहले आईजीएसटी को खत्म किया, तो इनपुट आईजीएसटी हमारा पूरा खत्म हो गया, बच क्या गया, आउटपुट आईजीएसटी बच गया, क्योंकि आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा था, ठीक है। अब हम चाहते हैं, अगर एज पर द रूल हम पहले सीजीएसटी और एसजीएसटी को खत्म कर लेंगे, अगर कुछ बचता है तब हम आउटपुट से लेंगे कि भाई तुम मेरा सेट ऑफ कर दो, ठीक है। तो अब हम पहले सेट ऑफ करेंगे किसका, सीजीएसटी का। इनपुट सीजीएसटी कितना है, 3 लाख है, ठीक है, कितना है, 3 लाख, ओके। इनपुट सीजीएसटी को हम सेट ऑफ करेंगे तो आएगा 3 लाख, और यहीं पर हम साथ के साथ एसजीएसटी को भी कर लेते हैं, यहीं हम साथ के साथ
SGST को भी कर लेते हैं, ये दोनों हमें एक दूसरे से ही सेट ऑफ करने हैं पहले। तो 3 लाख और आउट इनपुट SGST कितना है, वो भी 3 लाख है, ठीक है। अब इन दोनों का जो बैलेंस आया वो कितना आया, 1 लाख आया, आया 1 लाख, और इसका बैलेंस तो ऑलरेडी है ही 75,000। अभी आउटपुट SGST बचा हुआ है 75,000, ठीक। तो ये बैलेंस है, अब इनका बैलेंस ये हो गया। देन लेस, क्या करेंगे अब हम लेस, अब देखो आउटपुट IGST में अभी भी बैलेंस बचा है ना, और लेकिन जो आउटपुट CGST है और आउटपुट SGST है वो खत्म हो चुका है ना। ये जो है ये क्या बचा है, आपके पास 3 लाख इनपुट था और 2 लाख आउटपुट था, यानी ये जो बचा है ये क्या बचा है, ये इनपुट बचा है, इनपुट का बैलेंस है, ये भी इनपुट का बैलेंस है, बात समझ आई, ये इनपुट का बैलेंस है और आउटपुट आपका CGST और SGST दोनों खत्म हो गया है। तो हम कोशिश तो ये करते हैं कि इनपुट जितना ज्यादा से ज्यादा हो वो हम सेट ऑफ कर दें। तो अभी हमारे पास 75,000 जो ये बचा है, हम क्या करेंगे, इस इनपुट CGST में से 75,000 निकाल के यहां पर IGST, क्योंकि IGST तो आउटपुट बचा है ना, जो IGST का बैलेंस है दैट इज आउटपुट, बट जो CGST और SGST का बैलेंस है दैट इज इनपुट, ठीक है। जो CGST आउटपुट के बैलेंस को आप हमेशा ब्रैकेट में लिखाओगे, ठीक है, आउटपुट के बैलेंस को हमेशा ब्रैकेट में लिखाओगे। तो ये आउटपुट का बैलेंस है और ये दोनों इनपुट का बैलेंस है, इस इनपुट के 75,000 को हम क्या करेंगे यहां पर सेट ऑफ कर देंगे। दिस इज द बैलेंस लेस इनपुट CGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट IGST, ठीक है। यहां पर जो बचा हुआ है आउटपुट IGST, तो इनपुट CGST को हम थोड़ा सा उठा के जितना है वो हम यहां पर सेट ऑफ कर देंगे, तो ये 75,000 हमारा यहां पर सेट ऑफ हो जाएगा, बात समझ आ गई, 75,000 ये सेट ऑफ हो जाएगा। यहां से 75,000 चला गया, इधर आ गया, और यहां से कुछ भी नहीं गया। तो अब फाइनल बैलेंस क्या बचेगा, फाइनल बैलेंस हमारा कब आता है, जब हमारा सारा का सारा आउटपुट खत्म हो जाता है, जब हमारा सारा का सारा आउटपुट खत्म हो जाएगा तब हमारा फाइनल बैलेंस आएगा। यहां पे बचा 25,000 और यहां पर बचा 1 लाख। ये जो दोनों बचा है ये क्या बचा है, ये इनपुट है, यानी डेबिट बैलेंस है, ये इनपुट बचा है, इनपुट को ही तो सेट ऑफ कर देना, तो इनपुट जब बचता है यानी डेबिट बैलेंस बचता है, और डेबिट बैलेंस बचता है मतलब रिसीवेबल होता है, ठीक है, ये लेना होता है, सो दिस इज रिसीवेबल। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 12, आई होप इट इज क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।